अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई दीदार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद के साथ दिन शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा दिन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है। तो आइए अपने जीवन में खुशियों को बनाए रखने के लिए, अपने आप को हिम्मत देने के लिए, अपने आप में वो हौसला रखने के लिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हें कभी हारना नहीं है, तुम्हें कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि निराशा भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि निराशा तो जब इंसान की परिस्थिति उसके विपरीत हो जाती है तो वो निराश तो होगा ही होगा, लेकिन उस निराशा में भी आशा की किरण रखना, अपने आप को ये कहना कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। कल सुख के दिन चले गए, ये दुख के भी चले जाएंगे। थोड़े दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर जब हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हर पल 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 हर परिस्थिति में कैसा भी समय हो, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिसके पास स्वयं नारायण स्वयं साईनाथ हैं, उसे फिर अपने जीवन के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कभी हमारा मन ये सोचता है कि लोग हमसे आगे जा रहे हैं, लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसके लिए हम क्या करें कि हम भी उस ऊंचाई को छू पाएं, हम भी उतना बेहतर करें। तो चिंता मत कीजिए, कुछ फूल जल्दी खिल जाते हैं और कुछ को खिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन खिलते सभी हैं, है ना। बाकी तो हमारे माँ बाबा बैठे हैं हमारा एक एक पल खूबसूरत बनाने के लिए। चिंता ना किया कीजिए। जब डोर सौंप दी है उनके हाथों में, फिर शंका कैसी, फिर संदेह कैसा। संदेह तो वहाँ होता है जहाँ भरोसा नहीं होता। जहाँ भरोसा है वहाँ चिंता फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने कर्मों को अच्छा करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में हमारे जो हम लिखेंगे वैसे ही हमको मार्क्स मिलेंगे। तो हम अच्छा लिखते हैं, लिखना तो हमारे हाथ में है ना, देना हमारे टीचर्स के हाथ में है। वो कितने मार्क्स देते हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता है हमारे लिखने का, है ना। लेकिन हम उतना अच्छा लिख दें कि वो भी देखकर खुश हो जाएं कि वाह बच्चे ने मतलब कितना अच्छा किया है। ये परीक्षा चल रही है, जितना बेहतर हम कर सकते हैं उतना कर लेंगे। एक एक पेज को सजा कर लिखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से, कि देखने वाला भले पढ़े ना लेकिन देखकर ही मोहित हो जाए, है ना। तो बस अपनी तरफ से अपने जीवन को सजाना है। बाकी फैसला करने वाला तो ऊपर साईं बैठा है, वो हर एक चीज़ का फैसला करते हैं। आपके लाइफ में आपने जो किया है वो दुनिया से हम छुपा सकते हैं, लेकिन बाबा से भगवान से कुछ नहीं छुपता। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन साथ जो देता है वो भगवान होता है। वो किस रूप में आकर आपके जीवन को बना देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कहोगे अरे, और अक्सर ऐसा होता है जिस व्यक्ति पर हम भरोसा नहीं कर पाते ना, वही व्यक्ति हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खुशियाँ चाहता है, वही व्यक्ति हमारी सबसे ज़्यादा परवाह करता है जिसे हम कुछ नहीं समझते। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि सबसे मीठा बोलना, सबके साथ अच्छा रखना, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान आपसे मिलने आ जाए। इसलिए अगर हम हमेशा अच्छे रहेंगे तो फिर हमें किसी से डरने की भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के दिन के लिए अपने साईं का बारंबार शुक्राना करते हैं। आज के दिन को बाबा हमें देने के लिए आपके श्री चरणों में बार बार शुक्रिया है। आपने हमें हमेशा संभाला है, हमारे हर एक सुख दुख में हमारा साथ दिया है देवा। ऐसे ही जीवन भर देते रहिएगा। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो देवा क्षमा कीजिएगा। हम नादान हैं, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं है, क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है। बाबा आप हमारे सारथी बनिएगा, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा कि हम किस तरह क्या करें।
और जब भी हम कोई गलत रास्ते पर जाने लग जाएं, आप हमें संभाल लीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा। और बाबा, जिन लोगों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, जिन लोगों के लिए हम अरदास करते हैं, उन पर भी रहम नज़र कीजिएगा कि उनका जीवन खुशहाल हो, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, जो स्वस्थ नहीं है उनकी लाइफ में, जो भी परेशानी चल रही है वो स्वस्थ हो जाएं बाबा, हेल्दी हो जाएं। जिनको जो भी समस्या इस वक्त सता रही बाबा, उन पर रहम नज़र करना बाबा। इस संसार के हर जीव पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर एक को आपकी ज़रूरत है, चाहे वो छोटे से छोटा ही जीव क्यों नहीं है, वो भी आपके सहारे चल रहा है। तो सबका पालन पोषण कीजिएगा, सब पर रहम नज़र कीजिएगा, सबके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि लाइएगा मेरे बाबा, रहम नज़र कीजिएगा। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने घर के बाहर पानी रखिए, छत पर पानी रखिए, ताकि अपने से जितना बेहतर हो सकता है हम करेंगे, बाकी तो साईं संभाल लेंगे। अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे तभी तो भक्ति करेंगे ना बाबा की। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना और अपनों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, और हर एक सदस्य का जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के दिन को शुरू करते हैं। और मेरी इस साईं दीदार फैमिली में भी मेरे लिए सभी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम प्रेयर करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए आप सभी बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, आज इस महीने का पहला दिन है, तो आइए इस महीने की शुरुआत बाबा के नाम के साथ करते हैं। ये महीना आप सबके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके जीवन में, आप सदा 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 खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, और ऐसे ही बाबा का नाम जाप करते रहो, बाबा का गुणगान करते रहो, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है, उनके नाम हैं सुमन यादव जी, रूबी माथुर जी, सुदर्शन स्वेन जी, छोटा वीरांश, हरपाल जी, कराबी बरुआ जी, हंसिका जी, पूजा जी, विमला रानी जी, बिनाया कुमार जी, सुसंता जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर आंगन में खुशियाँ हो, सभी हेल्दी और हैप्पी रहें। जैसे कि रूबी माथुर बच्ची जो है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, रूबी माथुर बच्चे को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। और विमला जी की हेल्थ इशू है बाबा, विमला जी पर कृपा करना कि वो भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और जिनको भी जो समस्या है बाबा, वो समस्या का समाधान आपके श्री चरणों में सभी को मिले, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। और आज सुमन यादव जी और संजय यादव जी की मैरिज एनिवर्सरी है, सुमन जी और संजय जी, आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आप दोनों की हर विश पूरी करें, बाबा आप दोनों पर अपनी कृपा बना कर रखें, आप दोनों के जीवन का हर एक सपना, हर एक विश मनोकामना इच्छा पूरी हो, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और हंसिका जी का बर्थडे है, हंसिका जी हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत खुशहाल हो, आप जो चाहती हैं लाइफ में आपको वो सब कुछ मिले, बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो, और मालिक की कृपा से आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो। और बिनाया जी का बर्थडे है, बिनाया जी हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, मालिक की कृपा से आपके आने वाला लाइफ का हर दिन बहुत खुशियों से भरपूर हो, आप जो चाहते हैं आपको लाइफ में वो सब कुछ मिले, बाबा की कृपा से आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी होती रहे, साईं की कृपा आपके परिवार पर, आप पर सदैव बरसती रहे, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। अगर किसी का नाम गलती से मुझसे गलत निकल जाए ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और साईं सी जी बाबा से प्रार्थना कीजिए कि जिनके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं देवा, उनकी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो, और उनके बिगड़े काम भी बने, और उनकी लाइफ में खुशियों का प्रकाश हो, आपके आशीर्वाद से सभी हेल्दी और हैप्पी रहें। उसके बाद संदीप जैन जी की हेल्थ इशू है, बाबा संदीप जी पर कृपा करना कि वो जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या समाधान में बदल जाए, और वो खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, उनके पूरे परिवार में बहुत सारी खुशियां आपके आशीर्वाद से आएं देवा, और वो जल्द से जल्दी हेल्दी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और मालिक उनकी भी हर इच्छा को पूरी करें। तो चलिए, इच्छा भी पूरी करनी है, भगवान के दर्शन भी करने हैं, बाबा भी चाहिए हैं, है ना, सब कुछ चाहिए, और सबसे ज़रूरी है साईं। साईं मिल गए तो कोई इच्छा ही नहीं बाकी बची, तो आइए साईं को मांगते हैं साईं से,
बाबा रहम नज़र कीजिएगा इस पूरे परिवार की, श्रद्धा की लाज रखिएगा, सभी के बिगड़े काम बनाइएगा, सभी के घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों आपके श्री आशीर्वाद से। तो चलिए 11 वचन मिलकर पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, साईं कृपा बरसते रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।